नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भ्रूण एम्ब्रियो के बारे में। तो एम्ब्रियो क्या होता है? युग्मनज का विकसित रूप ही भ्रूण कहलाता है, अर्थात जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। और यही जो युग्मनज है जब आगे चल के विकसित होता है, डेवलप होता है, तो यही भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। तो डेवलपिंग फॉर्म ऑफ जाइगोट स्कारलेस एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो होता क्या है कि युग्मनज प्राप्त भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है तथा इसके सापेक्ष यह कैसा होता है? गोलाकार होता है, हृदयाकार होता है तथा इस प्रकार से यह परिपक्व भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। तो यह पूरा एम्ब्रियो के बारे में था। और एम्ब्रियो पूछा जाता है कि हैप्लॉयड होता है कि डिप्लॉयड, तो एम्ब्रियो ऑलवेज डिप्लॉयड होता है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी भ्रूण के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।